खबर हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। ग्रामीण महिला और पुरुष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। मारपीट में होमगार्ड का एक कर्मचारी भी वर्दी में कूद पड़ा। होमगार्ड के कर्मचारी ने भी जमकर मारपीट की। लाठी डंडों के साथ वो भी लोगों से भिड़ गया। जमीनी विवाद को लेकर हुई लड़ाई में एक तरफ होमगार्ड का परिवार था तो दूसरी तरफ दूसरा परिवार। खेतों में कंटीला तार लगे होने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले तो कहासुनी हुई और उसके बाद लाठियों से एक दूसरे पर खूनी प्रहार शुरू हो गए। हिंसक झड़प में दो लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में तेंदुए के आतंक से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को कई बार इस तेंदुए के आतंक के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी तक वन विभाग मूक दर्शक ही बना हुआ है। वन विभाग के रवैये से परेशान होकर ग्रामीणों ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी, जिसके बाद कल गन्ने के खेत में तेंदुए के छिपे होने की सूचना वन विभाग को दी। खबर के करीब दो घंटे बाद जब वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो गांव के लोग गुस्से में आ गए। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और करीब एक घंटे तक कर्मचारियों को यूं ही बंधक बनाए रखा। गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। रेंजर साहब को ना दरोगा जी क्यों है? रेंजर साहब है हमारे लिए तो रेंजर चार्ज में। हाँ रेंजर साहब को खड़े करो यहाँ पर, कहाँ है वो? और क्या? मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। इस अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी मरीज को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल प्रबंधन ने तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया है। तो कैमरे में कैद हुई कर्मचारी की संवेदनहीनता, इस तरीके से मरीज को घसीटता हुआ ले जा रहा है, ये तस्वीरें इस कैमरे में कैद हुई है। हालांकि इसके बाद एक्शन भी लिया गया इसके खिलाफ। ये जो तस्वीरें आई हैं ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के अस्पताल की हैं। देश में आए दिन बोरवेल में बच्चे गिरने से मौत हो जाने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अब इस समस्या का समाधान गुजरात के अमरेली के युवा ने खोज निकाला है और ऐसा रोबोट बनाया है जिससे अब बोरवेल में गिरने वाले बच्चों को आसानी से बचाया जा सकता है। बंगलुरु से बीटेक करने वाले किसान के बेटे ने 60,000 की लागत से बनाए इस रोबोट से महज 25 मिनट के भीतर ही बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया। रोबोट की खास बात यह है कि रोबोट में एक कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे बोरवेल में बच्चा कहां पर फंसा है और इसे कैसे बाहर निकालना है वो भी पता किया जा सकता है और ये पूरा रोबोटिक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। ट्रेनों में आग की घटना को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक नई पहल की है। रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज से दिल्ली आने वाली ट्रेनों के एक पावर कोच में आग से बचाव के लिए फायर बॉल इंस्टॉल किया है, जिससे आग की घटना को रोका जा सकता है। ये बॉल आग लगने पर एक निश्चित टेम्परेचर के बाद अपने आप फट जाएगा और ट्रेन में आग पर काबू पाया जा सकेगा। इस बॉल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आग को फैलने से रोक सकते हैं। प्रयागराज से दिल्ली आने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में ये 6 फायर बॉल्स लगाए गए हैं। अगर जनरेटर कोच में आग लगती है तो और आग लगने के बाद जैसे ही 70 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है तो ये फायर बॉल अपने आप फट जाएगा और आग पर काबू पाया जा सकेगा। ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री भी रेलवे प्रशासन के इस प्रयोग को अच्छा और सुरक्षित मान रहे हैं। राजौरी के सुंदरबनी के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। एक महीने से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ भी फैल रही है। परेशान लोग आग से अपने घर को बचाने के लिए खुद ही आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग की वजह से जंगल के सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। बारिश रुकने की वजह से गर्मी बढ़ गई है और जंगल की आग फिर से भड़क उठी है। अगर जल्दी इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। आग की वजह से न सिर्फ वन संपदा को नुकसान हुआ है बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों में भी धुआं फैलने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं।
फरीदाबाद की एक पैकिंग कंपनी में अचानक आग लग गई। आग ने एक साथ इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की करीब 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त कंपनी में आग लगी उस समय कर्मचारी नहीं थे और इस वजह से किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी के पास एक ब्लॉक में भीषण आग लग गई, जिस पर काफी घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजहों की जांच अभी फिलहाल की जा रही है। आसपास के इलाकों को एहतियात खाली कर पाया गया है। यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक में लगी है भीषण आग। आसपास के पूरे इलाके को खाली करवाया गया है क्योंकि धुएं की वजह से परेशानी हो रही है लोगों को। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल कोशिशें सबसे पहले यही है कि आग पर काबू पाया जा सके। अमेरिका के सिलिकॉन वैली की यह खबर है जहां पर यूनिवर्सिटी के ब्लॉक में आग लगी है। मैक्सिको में एक विशाल ज्वालामुखी में विस्फोट का अनोखा नजारा दिखा। विस्फोट के बाद आसमान में आग और काले राख के बादल छा गए। करीब 1500 मीटर की ऊंचाई तक ज्वालामुखी से लावा निकला। राख और धुएं के गुब्बार ने करीब 10 किलोमीटर तक के इलाके में को अपनी चपेट में लिया है। धुएं का गुब्बार 10 किलोमीटर के एरिया में साफ नजर आ रहा है। मैक्सिको की तस्वीरें जहां पर फिर सक्रिय हुआ है ज्वालामुखी। 1500 मीटर तक उगल रहा है धुआं और राख।